हिमाचल प्रदेश जिला ऊना के होटल R&R गांव बड़ाला में आज श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह राणा ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया और साथ में यहां आयोजित किए जा रहे महिना प्रताप जयंती समारोह में संबोधन देते हुए कहा कि जिस प्रकार आज जिला ऊना में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति स्थापित की गई है, अब आने वाले समय में पूरे देश के हर जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप की मूर्ति या फिर जिला में कम से कम एक चौराहे का नाम उस वीर सपूत के नाम से रखा जाएगा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर हमें जीवित रखा। वहीं श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय राणा ने कहा कि आज इस प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में पूरे देश से यहां पर महाराणा प्रताप की जयंती मनाने के लिए पहुंचे हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एनकाउंटर ऊना से सुशील पंडित की रिपोर्ट। पूरे देश के हिंदुआ सूरज के रूप में स्वाभिमान के सबसे बड़े प्रतीक महाराणा प्रताप की आज यहाँ मूर्ति स्थापना हो रही है। हमारे हिमाचल प्रदेश की पूरी टीम और प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों के द्वारा जो ये काम किया जा रहा है वो ज़बरदस्त काम है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ। जो अपने देश की आन बान शान है और उनका सबसे बड़ा अगर कोई नाम आता है तो महाराणा प्रताप का आता है और आज देख रहे हैं जिनको महान बताया गया है कई सालों तक, आज वो महान बताने वालों के कहीं पे भी बुत नहीं लगे, कहीं पे भी कोई चौराहे पे उनकी फोटो नहीं लगी और जिनको छुपाया गया वो पूरा देश उनको समझ के आज पूरे देश में उनकी प्रतिमाएं लग रही है। आज उसी चरण में यहाँ पे महाराणा प्रताप की मूर्ति लग रही है क्योंकि पूरे देश जानता है, पूरा विश्व जानता है स्वाभिमान के लिए जिन्होंने घास की रोटियाँ खाई, सैकड़ों मतलब अपने जीवन पर्यंत अपने बच्चों के साथ जंगलों में घूमे, वो व्यक्ति आज अपने इतिहास से कहीं ना कहीं गायब होते जा रहे हैं और आज सब लोगों की ये मुहिम पूरे देश में जो चल रही है ऐतिहासिक पात्रों को लेकर अवेयरनेस के लिए या जो समाज और इस देश से हित में जो लड़े उनको वापस से स्थापित करने की जो एक नई मुहिम पूरे देश ने छेड़ी है, बहुत काबिल तारीफ है। आपके हिमाचल प्रदेश के हर एक क्षत्रिय को और 36 कौम के व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भवानी। मैं विनय राणा, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना, प्रदेश उपाध्यक्ष देवभूमि स्वर्ण मोर्चा, आज R&R मैरिज पैलेस बैडाला में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण किया गया जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महिपाल जी मकराणा राजस्थान से विशेष रूप से आए और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और स्वर्ण जितना भी स्वर्ण समाज आज पहुंचा है मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिसने अपना कीमती समय निकाल के हमें आशीर्वाद दिया और इस महोत्सव में पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जय देवा। राणा जी, श्री करनी सेना द्वारा भविष्य में भी लोगों को जागरूक करने के लिए कोई अभियान चलाया जाएगा? समय समय पर ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर गांव में हर चौराहे पे महाराणा प्रताप जी की, दादा परशुराम जी की मूर्ति हो ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो ये ना भूलें कि हमारे पूर्वज कौन थे।